वेलकम टू माय चैनल तनुज पाजफोरन। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। घर पर बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार होती है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जरूर ट्राई करें। रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने गैस पर रखा है एक पैन। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम देसी घी। कोई भी मिठाई बनाते समय अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि घी से एलर्जी है, तो उस केस में आप डालडा का यूज कर सकते हैं। घी जब मेल्ट हो जाए इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम बेसन। ये नॉर्मल सिंपल वाला बेसन है, मोटे दाने वाला बेसन नहीं है। आप चाहे तो मोटे दाने वाला बेसन भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और बेसन को भूनना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी भुनी भुनी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाएंगे इसमें से घी बाहर आने लगेगा और ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेसन में से घी बाहर आने लगा है और ये बिल्कुल पतला सा हो चुका है। इसे हमें पकाते जाना है जब तक कि अच्छी भुनी भुनी सी खुशबू ना आने लगे। यहाँ पर बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे चलाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाए, क्योंकि पैन बहुत ज्यादा गर्म है। अगर हम बेसन को इसमें छोड़ेंगे तो बेसन नीचे से जलने लगेगा। जब तक बेसन हमारा हल्का सा ठंडा हो रहा है हम इसके लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने गैस पर रखा है एक पैन। इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम शक्कर। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना हम शक्कर लेंगे उसका जस्ट हाफ हमें पानी लेना है, तो मैं यहाँ पे 75 ml पानी ऐड कर रही हूँ। चाशनी हमें बहुत ज्यादा पतली या बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। इसमें हमें एक तार या दो तार की चाशनी भी नहीं चाहिए, बस शुगर सिरप हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ इलायची। इससे शुगर सिरप में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसे हम बॉईल होने देते हैं। यहाँ पे शुगर सिरप उबलने लगा है तो बस थोड़ा सा इसे और कुक कर लेते हैं ताकि शुगर सिरप हल्का सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और शुगर सिरप को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। शुगर सिरप जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इसमें बेसन में शुगर सिरप को ऐड करेंगे। यानी कि बेसन और शुगर सिरप दोनों ही हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म में हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे शुगर सिरप डालेंगे और बस अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म है दोनों ही, तो ये अच्छी तरीके से आपस में मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि ये जो है बेसन का जो मिक्सचर है ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगेगा। शुगर सिरप डालते ही बेसन के दाने जो है फूलने लगते हैं। आप देख सकते हैं बेसन हमारा गाढ़ा होने लगा है और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आने लगा है। शुगर सिरप जब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसे एक प्लेट पर जमाएंगे। तो प्लेट में जमाने के लिए सबसे पहले हम प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करें या फिर प्लेट को आप पहले से ही ग्रीस करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बेसन का मिक्सचर बहुत ही जल्दी से हार्ड होने लगता है। यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम बेसन के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर से टैप टैप कर दे और इसे स्मूथ बना ले। ये देखिए अब हम इसमें अपने पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को डालने के बाद इसे हम हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अंदर अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसे कट करें तो ये बाहर से निकले नहीं। ये देखिए थोड़ा सा इसे प्रेस कर दें हाथों से। बेसन की बर्फी को सेट होने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा, तो 10 मिनट के बाद इसे हम कट कर लेंगे ताकि ये पूरी तरीके से जम न सके। अगर ये पूरी तरीके से जम जाएगा तो इसे काटने में बहुत ही मुश्किल होगा। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं।
10 मिनट के बाद अब मैंने यहाँ पे एक नाइफ में थोड़ा सा घी लगा के इसे भी ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसे कट करें तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये कट हो सके। तो आप अपने पसंद से छोटा या बड़ा इसे कट कर लें। कट कर लेने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि बर्फी हमारा अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसे सर्व करेंगे। कई लोग इसे फ्रिज के अंदर भी डाल देते हैं सेट करने के लिए, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे खुली हवा में रखें और इसे नेचुरल तरीके से सेट होने दें। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो बर्फी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। दोस्तों, फेस्टिवल का सीजन चल ही रहा है, एक के बाद एक फेस्टिवल अभी लगातार आने को ही है, तो इस बेसन की बर्फी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद बेसन की बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी है, इसे हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है दोस्तों। मार्केट से तो हम सभी खरीद कर खा सकते हैं, पर घर पर बनी हुई मिठाइयों का टेस्ट और फ्रेशनेस अलग ही होता है। ये देखिए हमारी बेसन की बर्फी, लग रहा है ना टेस्टी? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर कोई मेरी रेसिपीज ट्राई कर सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।